देखो, हमारा देश का लोकतंत्र ये संविधान के आधार पर चलता है, और संविधान जिनको मान्य नहीं है, ऐसी जो मानसिकता के लोग होते हैं जो लोकतंत्र में लोगों के वोटों पे बैठकर संविधान के आधार पर सत्ता में हैं, उन लोगों को अगर ये बात नहीं समझती हो तो ये गंभीर बात है, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान सबसे बड़ा होता है। सबने अपने अपने धर्म पर प्यार करना चाहिए, किसी के धर्म को किसी ने गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको संविधान ही माने नहीं, ऐसे लोगों को इनके ऐसे लोगों के बारे में बोलना भी उचित नहीं है। दो चीज़ें, हमारे हिंदुओं में भी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, ऐसा कौन सा धर्म है कि जिसमें लाउड स्पीकर नहीं लगाया जाता? और ये मूल इशू को डाइवर्ट करने के लिए जो केंद्र की बीजेपी की सरकार ने गए 8 साल में देश की जो तबाही की है, ये तबाही को छुपाने के लिए धर्म धर्म को आपस में आपसी मतभेद निर्माण कर अपनी जो गलतियां हुई और जो देश को बर्बाद करने की उन लोगों ने व्यवस्था बना के रखी है, वो छुपाने की कोशिश, लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश माध्यम से की जा रही है। आज महंगाई का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, किसान का इशू है, गरीबी का इशू है, और चाइना जैसा हमारा दुश्मन देश जो हमारे पे आँख लगा कर बैठ कर हमारे एक एक हिस्सा कब्जा करने में शुरू है, इस सब इशू को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी का ये प्लान है, और धर्म की राजनीति कर देश को और तबाह करना चाहते हैं। देखो, ये जो डरते हैं वो इस तरह की राजनीति करते हैं। आपको पता होगा कि संजय राउत ने ईडी के अधिकारी के विरोध में देश के राष्ट्रपति जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, देश के उपराष्ट्रपति को, उन्हें एक पूरा डिटेल और उसके पुरावे के साथ उनको मालूमात दी थी। अब ईडी तो केंद्र की ये यंत्रणा जो है वो संविधानिक दायरे से बाहर आकर बीजेपी के लिए काम कर रही है, इस तरह का माहौल उन लोग बना के रखे हैं। जब ईडी के बारे में अगर कंप्लेंट होती है, वो बिल्डरों से पैसा ले रही है और लूटपाट मचा के बैठी है, तो ये पूरी डिटेल देकर अगर ईडी के बारे में उनने कंप्लेंट किए, तो इसलिए उसका बदला संजय राउत से वो लिया जाता हो, तो महाविकास आघाड़ी में हम कोई डरेंगे नहीं। कितने लोगों को इनको अंदर करना है कर लो, इसके घर पे कार्रवाई करना है कर लो, लेकिन सत्य की विजय होती है। जो बीजेपी आज असत्य के साथ डरा धमका कर ब्लैकमेलिंग कर राजनीति करना चाहती है, उसको देश की जनता माफ नहीं करेंगे। कल ही संजय राउत ने राज्य के गृह मंत्री से मुलाकात की है, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई तुरंत, इसको कैसे? देखो, राज्य की कानून व्यवस्था को संभालना ये राज्य का दायित्व जाता है। केंद्र बार बार जो राज्य में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में इंटरफेयर कर रही है, गलत है, और इसलिए राज्य के अधिकार में जो भी कानून व्यवस्था का अधिकार है उसके आधार पर SIT बिठाई गई थी। राज्य के जनता को अगर ईडी के माध्यम से केंद्र की सरकार लूट रही है, तो राज्य ने उसमें हस्तक्षेप करना स्वाभाविक है। जो SIT बनी थी, SIT के आधार पर चौकसी होगी, और जो बात सामने आएंगी उसका जो गलती करेगा उसको भुगतना ही पड़ेगा। देखो, दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए हमारे कांग्रेस के MLA वहाँ गए, सभी पार्टियों के MLAs गए, तो हमारे कांग्रेस के नेता MLAs वहाँ जाने के बाद अपने शीर्ष नेता से मिलना स्वाभाविक है, और जो है जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसके बारे में भी, क्योंकि MLA है तो वो राजनीति की बात करेंगी और अपनी बात रखेंगे, तो उसमें स्वाभाविक है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि केंद्र की सरकार में भी उनके ही मंत्रियों ने अभी कहना चालू कर दिया कि मोदी अगर ये देश के लिए ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री रहे तो देश तबाह हो जाएगा। उनमें भी आपस में लड़ाई शुरू हुई है, वो कल ही छोटे मोटे पेपर में इस बातें का उल्लेख ना, लेकिन अभी भी मीडिया में जिस तरह से इस बात को आना चाहिए था वो क्यों नहीं आ रहा, ये भी आज सवाल जनता पूछ रही है। किसी दल का अगर होता है तो इसमें चर्चा का विषय बनता है, लेकिन बीजेपी में जब यह सब बातें चालू हो गई, इसकी चर्चा माध्यम में क्यों नहीं हो रही है, ये भी सवाल
कांग्रेस की तरफ से और जनता की तरफ से हम पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, जो महाराष्ट्र के एमएलए पूरे पार्टी के एमएलए जब मुंबई पहुँचे, दिल्ली पहुँचे हैं, तो महाराष्ट्र के नेता हैं, तो उन्हें सभी एमएलए को वहाँ पे बुलाया है, तो स्वाभाविक है, तो दिल्ली में नेताओं ने स्वागत करना। देखो, चुनाव का जो बंटवारे का बात है वो हाईकमांड डिसीजन लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिजिटल मेंबरशिप आज हमारी शुरू की है हमारी नेता सोनिया जी गांधी ने, उसमें बड़ा प्रतिसाद जनता का हमारे को मिल रहा है। बीजेपी ने जो मेंबरशिप की थी वो मिस कॉल वाली की थी, यानी हर बार झूठ, वो कोशिश उनने की थी। कांग्रेस की तरफ बड़े पैमाने में लोगों का झुकाव नज़र आ रहा है, और जिस तरह से केंद्र की सरकार ने गए 8 साल में देश में तबाही मचा के रखी है, उसका भी लोगों में विरोध है, और देश को सिर्फ कांग्रेस ही आगे ले जा सकती है, ये जनता का विश्वास है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं हूँ किसी की तरह, मैं जनता की मन की बात समझता हूँ, मैं अपने मन की बात नहीं समझता हूँ, मैं अपने मन की नहीं जनता के मन की बात बताता हूँ, और जनता की मन की बात यही है कि 2024 में लोगों को चेंज चाहिए, और कांग्रेस ही उसके लिए पर्याय है, और उसी आधार पर हमने बोला है। मैंने कहा ना, देश में ही बदलाव है। बिल्कुल, बीजेपी जिस तरह से केंद्र में बैठकर केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग जो कर रही है, जो दहशत मचा रही है, दहशतवाद बना रही है, और वो चाहते कि ऐसी दहशत बनाकर हम ब्लैकमेलिंग करेंगे अपोजिशन वालों को, ये कदापि नहीं हो सकती। हम जॉइंटली लड़ेंगे, और हम, मैंने कहा कि हम ये सत्य, हम सत्य के साथ है, सत्य की ही विजय होगी। बीजेपी आज केंद्र में बैठकर जो दहशतवाद की और असत्य का साथ लेकर जो लड़ रही है, सत्य का विजय होगा, सिर्फ महाविकास आघाड़ी का ही होगा। त्यांनी संविधान वाचलं, पण तो मिसिंग होता, तो केव्हा आला ते मला ते कळलं नाही। नाही, आता 2 दिवसा पहिले तुम्ही शोधत होतात ना मीडियावाले, त्यांना मला पण विचारत होते लोक की तो कुठे गेला, मी म्हटलं मला कमी मिळाला का आता मला विचारले लोकांनी 2 दिवसा पहिले की मिसिंग झाले, मी म्हटलं की मला माहिती नाही, आता आलेत का ते, त्याचं नाव घेतलं तुम्ही ते, हा तो मला माहिती, तुम्ही आम्हाला विचारत होता ज्याचं नाव तुम्ही घेतलात, तो मिसिंग झाला हे कुठं, आता हा कोण बोलतोय, तोच बोलतोय की कोणी दुसरा आला त्याच्या जागी, मग माहित नाही मला आता ते मिसिंग माणसाच्या बद्दलचे प्रश्न का विचारता आम्हाला। ज्यांनी चूक केली त्याच्यामुळे होणारच ना। बिलकुल होईल, आत्ता मला ते अंतर्गत फेरबदलाचा इश्यू हायकमांडचा असतो, पण या विषयावर चर्चा होणारच। ते हायकमांडचे डिसिजन आहे, शरद पवारजी असतील, सोनियाजी असतील, उद्धवजी असतील, हे बसून त्याच्यामध्ये निर्णय करतील, ते आमच्या अधिकारातलं नाही। मी तुम्हाला सांगितलं की कुठल्या राज्यात काय होतं, मी राज्यातलं सांगतोय की संविधानिक व्यवस्थेमधली जी भूमिका तुम्हाला सांगितली, हिंदूमध्ये पण माईक लावून का धार्मिक कार्यक्रम घेतले जातात, हा मुद्दा नाही ना। मूळ मुद्द्याला बीजेपी डायव्हर्ट करायसाठी BEC सगळ्या कंपन्या आणून, पहिले एक डी कंपनी चालायची, आता बीजेपी BEC चालवतो, आणि म्हणून या कंपन्या वापरून मूळ मुद्द्याला डायव्हर्ट करायसाठी हे सातत्यानं प्रयत्न करतात। महागाई आणि बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे आणि गरिबांचे प्रश्न, या प्रश्नाला भारतीय जनता पार्टीचं केंद्रातलं सरकार फेल्युअर झालं,
आणि म्हणून धार्मिक भावना भडकावायच्या याच्यावर त्यांचा खेळ सुरू आहे. पण त्याच्यात ते त्याच्यातही ते फेल होणार आहेत. लोकांनी मनात बांधलेलं आहे की अशा व्यवस्थेला आता लोकशाहीच्या या व्यवस्थेतून सत्तेच्या बाहेर करायचं हे जनतेने मानस केलेलं आहे. बस कळ लेट हो गए मीटिंग लावले काय लागतं आहे चला.